Hey, this is Kapildeep Sharma and welcome to my YouTube channel English by Kapildeep Sharma. This is the second vocabulary video and first in terms of idioms and phrases. पिछला जो वन वर्ड्स का वीडियो शेयर किया आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, थैंकफुल टू यू वंस अगेन. और आशा करता हूँ कि इसमें आपको idiom phrases काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में उनके reasons, उनकी etymology, उनके origin के साथ समझा पाऊँ. जैसा कई बार कहा है, हर एग्जामिनेशन के लिए और हमारी खुद की पर्सनालिटी के लिए लैंग्वेज में दोनों चीज़ों का इंपॉर्टेंट वेटेज होता है, ग्रामर एज वेल एज वोकैबुलरी. तो वन वर्ड्स शायद याद भी करने पड़ जाते हैं जिसका जो मीनिंग है वो है, बट idiom phrases थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं बिकॉज उनके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि उसमें इस शब्द का इस्तेमाल किया क्यों गया. ज़रा सा ओवरव्यू देना चाहूँ कि idiom phrases होती क्या हैं. तो हमारी लैंग्वेज के idiom phrases को टच करें, द वेरी फर्स्ट वन, ऐसा मान लीजिए कि दाल में कुछ काला है. अब ना वहाँ पर दाल होती और ना ही उसमें कुछ काला होता. मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं तो ना वहाँ कोई बिल्ली मौजूद होती और ना वो किसी से म्याऊं करती है. जनरल तौर पर जब हम कहते हैं कि आज उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, भई आज तो वो सातवें आसमान पर है. अब ना ही वहाँ कोई आसमान होता और ना वो सेवन्थ फ्लोर पर उस तक जा पाती है. बट हाँ, चूँकि हम नेटिव स्पीकर हिंदी के हैं तो हम इनके पीछे छुपा हुआ मीनिंग ग्रैब कर पाते हैं. इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस में भी idiom phrases होती हैं. अब वहाँ हम आसमान और ये चीज़ें नहीं लिख पाएंगे. कई चीज़ें हिंदी से कोरिलेट हो पाती हैं, कई नहीं हो पाती हैं. बट हाँ, आई प्रॉमिस आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम इन डिटेल विद देयर हिडन मीनिंग, देयर एटिमोलॉजी, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर. तो आशा करता हूँ कि आपको हर idiom को एक प्रॉपर वे में उनके ओरिजिनल मीनिंग के अनुसार समझा पाऊँ. टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो. idioms एंड phrases इन टर्म्स ऑफ examination पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, और चाहे हमारी डेली लाइफ की स्टाइल की भाषा के लिए क्यों ना हो. जब अपनी भाषा में हम idiom phrases पोर्ट्रे करते हैं तो शायद हमारा सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है. सो लेट्स डिस्कस idioms एंड phrases इन डिटेल. द फर्स्ट वन, स्वीपिंग स्टेटमेंट. एक तरह का स्टेटमेंट होगा, स्वीपिंग होगा. अब इसे तो आप ग्रामेटिकली जज कर लीजिएगा क्योंकि इसके पीछे की कोई एटमोलॉजी नहीं है, दो शब्दों से बनाया गया है. स्वीप मतलब एक तरह से झाड़ू पोछा करना, साफ कर देना, सफाई कर देना. और एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी सफाई की जा सकती है, इसका मतलब ज़रूर उसका कोई वेटेज नहीं होगा. थॉटलेस स्टेटमेंट, बकवास आपकी, बिल्कुल जिसका कोई मेन उद्देश्य नहीं है, उस स्टेटमेंट को जिसको साफ किया जा सकता है, जिस पर पोछा लगाया जा सकता है, जिसका कोई वेटेज नहीं है, उसे स्वीपिंग स्टेटमेंट कहा जाता है. द स्टेटमेंट दैट कैन बी स्वीप, जिसको हम साफ कर सकते हैं, जिसके कोई वेटेज नहीं है, जो एक ऑर्डिनरी स्टेटमेंट की तरह बिहेव करे, इवन मुंह खोलकर डायरेक्टली बोल दिए गए वर्ड्स को भी स्वीपिंग स्टेटमेंट ही कहे जाते हैं. सो दीज आर द थॉटलेस स्टेटमेंट्स वी कैन टॉक अबाउट. ऑल एट सी, idioms की भाषा में एट सी का मतलब होता है perplexed. एट सी का मतलब होता है पजल्ड, चकित रह जाने को एट सी कहा जाता है. ऐसा क्यों? तो कभी नोटिस कीजिएगा, अगर हम लोग रोड पर चलते हैं इन टर्म्स ऑफ बेसिक ट्रांसपोर्टेशन और इन चीज़ों के लिए, तो हमें रास्ता नज़र आता है आगे से. रोड जहाँ जहाँ टर्न होती जाएगी हम पहचान कर आगे से लेफ्ट राइट सब लेते जाते हैं. पूछ भी सकते हैं कि भाई आगे से कहाँ जाना है, तो वो कहेगा जहाँ भी लेफ्ट टर्न हो वहाँ से ले लीजिएगा, जहाँ राइट टर्न हो वहाँ से ले लीजिएगा, अदरवाइज सीधे चले जाइएगा. तो जब तक टर्न नहीं दिखते हैं हम लोग चलते जाते हैं. मान लीजिए आप समुद्र पर कहीं पर हैं, उस एरिया में हैं, उस पानी में हैं, किस बात का लेफ्ट, किस बात का राइट, कौन सा आगे, कौन सा फॉरवर्ड, यहाँ नज़र आता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट. और जब समुद्र के बीच में हम कहीं पर होंगे तो शायद ना वहाँ कोई लेफ्ट है ना वहाँ कोई राइट है, हमारे लिए चारों जगह एक जैसी ही बनती हैं. जिस तरफ देखेंगे सिर्फ पानी और पानी नज़र आ जाता है. वहाँ इंसान थोड़ा चकित हो जाता है, यार कौन सा लेफ्ट है, किधर से आए थे, कौन सा राइट है. तो उसको पिक करके रखा गया है कोई ऐसा वेसल जो एक तरह से समुद्र में खो जाए तो उसके लिए कोई लेफ्ट राइट नहीं रहता, वो कहीं भी जा सकता है. इट कैन बी परप्लेक्स्ड, इट कैन बी पजल्ड. चकित रहने के सेंस को एट सी कहा जाता है, और हर चीज़ जब उसमें आ जाएगी तो उसे आप इम्फैटिक बनाकर ऑल एट सी कहते हैं. तो ध्यान रखिएगा, ऑल एट सी मतलब पजल्ड कहा जाता है. आपने कोई ऐसी चीज़ पकड़ा दी जिसका मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, मेरे पास कोई लॉजिक ही नहीं है, तो आई वॉज ऑल एट सी. मैं तो बिल्कुल भाई ये देखकर चकित हो गया कि पता नहीं आपने मुझे क्या दिया था. एट सी इन टर्म्स ऑफ पजल्ड, इन टर्म्स ऑफ baffled, in terms of बौखला जाने के लिए, चौक जाने के लिए, चकित रह जाने के लिए, इन्हें एट सी कहा जाता है. Enough rope एक अच्छी idiom है. Actually ये 16th century में कुछ ही हुआ करती थी. Give one enough rope, one will hang oneself. ये इसका actual meaning था. इसका मतलब है कि अगर किसी इंसान को आप उतनी रस्सी दे देते हैं तो वो खुद को टांग सकता है, यानी कि फांसी पर लटका सकता है. तो enough rope, मैंने सिर्फ उसे इतनी रस्सी दी है जिससे उसका काम हो जाए, फांसी पर खुद को ना लटका पाए. Enough rope आज इस्तेमाल की जाती है enough freedom for action.
रोप मतलब वही रस्सी किसी भी चीज़ के लिए। कभी नोटिस कीजिए जब हम बोटिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर भी उनका एक एरिया स्पेसिफाइड होता है जिसमें रस्सी पड़ी रहती है। इतने एरिया में रहेंगे आप लोग सेफ हैं, ज़्यादा जाएंगे तो फिर वो सेफ्टी फीचर हमारे हाथ में नहीं है। तो किसी भी चीज़ के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा, वापस कहूँ, एडियम फ्रेजेस के शब्दों का वो मीनिंग नहीं होता जो उनका मीनिंग होता है, उनके पीछे का हिडन मीनिंग हमें ग्रैब करना पड़ जाता है। तो इनफ रोप यानी कि उतनी रस्सी यानी उतनी कोई भी चीज़ जिससे वो काम किया जा सके, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन किसी भी काम को करने के लिए जितनी अथॉरिटी हमें मिलती है इज कॉल्ड इन एडिमेटिक टर्म्स इनफ रोप। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये एडियम 16th सेंचुरी में सिर्फ बाय फिट्स हुआ करती थी। स्टार्ट्स का इस्तेमाल इसमें 17th सेंचुरी के आसपास डाला गया है। इसका मीनिंग बना कैसे? तो बाय फिट्स, फिट जानते हैं, फिट बिल्कुल फिट एकदम से, फिट का मतलब चिपकना भी होता है यानी क्लोज हो जाना, स्ट्रिक्ट हो जाना, बिल्कुल एक तरह से चिपक जाना किसी चीज़ से। भाई वो शर्ट मेरे बिल्कुल फिट आती है तो मेरे शरीर में एक तरह से फिट हो जाती है। अब बाय फिट्स एंड स्टार्ट कह दीजिएगा तो ये कुछ ऐसे बना था, गाड़ियाँ एक तरह से कहीं पर मान लीजिए उसका इंजन ख़राब हो गया तो वो वहीं पर फिट हो जाएगी यानी फिक्स हो जाएगी। फिर आप उसे स्टार्ट करते हैं तो उसमें धीमे से धक्का लगाना, थोड़ी सी आगे बढ़ गई फिर फिट हो गई यानी चिपक गई, फिर से आगे बढ़ गई यानी एक तरह से इररेगुलर पैटर्न को नज़र आता है। किसी भी चीज़ में से कहीं बॉयल करके कोई चीज़ मैंने बाहर रख दी चूँकि वो ठंडी थी उससे चिपक गई, फिट हो गई, फिट मतलब चिपकना, बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद आप उसे स्टार्ट करना चाहें तो वो ईजिली स्टार्ट तो नहीं होगी, कुछ उसमें झटके लगते हैं, कुछ धक्के लगते हैं। इस हिडन मीनिंग को दिखाने के लिए सीडियम का इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी चीज़ का इररेगुलर सेंस यानी वो फिट भी है यानी कि वहीं कि वहीं फिक्स्ड है और वो स्टार्ट भी की जा सकती है यानी इसको मूव भी किया जा सकता है। अब जो चीज़ फिट है मूव भी कर सकते हैं, एक तरह से इररेगुलर पैटर्न है, जब वो फिक्स होगी मूव नहीं होगी और जब वो मूव होगी तो वो फिक्स नहीं कही जा सकती, फिट नहीं कही जा सकती। सो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स इररेगुलरली, एक अनमैच्ड पैटर्न दिखाने के लिए, उल्टा सीधा कुछ भी दिखाने के लिए बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स कहा जाता है। फेल फाउल ऑफ, गॉट इन टू ट्रबल विद, तो फाउल शब्द का इस्तेमाल ही होता है परेशानी, रूड, अग्रेसिव, ऑफेंसिव, फाउल के सारे मतलब होते हैं। कभी नोटिस कीजिए शब्द को, इस एडियम को याद रखने के लिए, हम लोग जब कभी तो देखा होगा, खेले तो शायद नहीं होंगे, कि किसी एथलेटिक्स या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जब हमें जैसे जेवलिन थ्रो है, जैसे हाई जंप है, जैसे लॉन्ग जंप है, तो एक एरिया और लाइन मार्क की जाती है, इसके बाद आपको जंप करना है। अगर हमारा पैर ज़रा सा भी उससे आगे निकल जाए तो उसे फाउल कहा जाता है, शायद कभी देखा होगा, वीडियो गेम्स में ही देखा होगा, तो उसे फाउल कहते हैं यानी कि अब आपको दिक्कत हो गई, अब ये अटेम्प्ट आपको दोबारा देना होगा। तो फाउल एक तरह से परेशानी को शो करता है और फॉल फाउल ऑफ इसका मतलब कुछ ना कुछ मुझे दिक्कत हो गई, सो गॉट इन टू ट्रबल विद इज कॉल्ड फेल फाउल ऑफ। टोकन स्ट्राइक, टोकन मतलब, तो नोटिस कीजिए कभी कभी हम शॉप पर जाते हैं तो डायरेक्टली पैसा इनिशियली नहीं देना पड़ता, कई जगह देना भी पड़ जाता है, हम एक तरह का टोकन मिल जाता है, वो टोकन दिखाकर हम अपनी चीज़ परचेज कर लेते हैं, बाद में उसका पे कर देते हैं। तो टोकन का मतलब क्या होता है? टोकन मतलब होता है अ सिंबल, अ साइन, किसी भी चीज़ का जो साइन होता है उसे टोकन कहा जाता है। और जब हम टोकन के तौर पर स्ट्राइक करते हैं यानी हमारी ये प्रिसाइजली स्ट्राइक नहीं है, हमने आपको टोकन दिया है यानी कि एक सिंबल दिया है, एक सिग्नेचर साइन दिया है, एक वार्निंग दी है कि अगर आप अगर हमारी मांगें पूरी नहीं करते हैं तो फिर हम ढंग से स्ट्राइक कर सकते हैं। तो जनरल तौर पर स्ट्राइक एक तरह से स्ट्राइक कही जाती है, बट टोकन स्ट्राइक अ शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, एज अ सिंबल, एज अ साइन। तो टोकन के तौर पर जो स्ट्राइक करते हैं यानी कि एक सिंबल दिखाने के लिए, भाई वार्निंग है हमारी कि हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी तो हम लोग स्ट्राइक नहीं करेंगे, अदरवाइज हम लोग स्ट्राइक कर सकते हैं। टोकन स्ट्राइक अ शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, जहां का मीनिंग टोकन से पिक किया है स्ट्राइक दिखाने के लिए, टोकन यानी कि सिंबल या फिर साइन किसी चीज का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ इट्स मीनिंग टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम झेलना, परेशानी झेलना, जो भी रिजल्ट होगा उसे आपको झेलना पड़ेगा। अब इसका अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो फेस द म्यूजिक से परिणाम झेलना तो कहीं से शो नहीं होता ना, म्यूजिक का मतलब परिणाम कहाँ से है? इसलिए आपसे कहा था इडियम फ्रेजेस हैं, इडियम्स का डायरेक्ट वो मतलब नहीं होता जो उन शब्दों का मतलब होता है। एक्चुअली काफ़ी रिसर्च करने के बाद बोल रहा हूँ, मैंने हर इडियम को बहुत अच्छे से देखा है इसलिए शायद आपको कई शब्दों की मीनिंग बहुत प्रॉपरली बता पाऊंगा। फेस द म्यूजिक, जो म्यूजिक शब्द यहाँ पर है, ये इसका ओरिजिनल मीनिंग लूज किया जा चुका है, अब इट हैज़ बीन लॉस्ट, इसका कोई प्रॉपर है ही नहीं कि ये कहाँ से पिक की गई है, बट हाँ मेजॉरिटी ऑफ अथॉरिटीज मानते हैं, कई लोग मानते हैं जो इडियम फ्रेजेस को डिराइव करते हैं, कि शायद इसका मीनिंग दो जगह से लिया गया है,
या तो इस जगह से द वेरी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कि जब भी कोई थिएटर में प्ले होता है तो उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आएगा, यानी ऑडियंस आपको अपलोड करती है या ऑडियंस आपकी बेइज्जती करती है, आप पर चिल्लाती है, वहां से चिल्ला चिल्लू कर घर चली जाती है, ये दोनों चीजें उन एक्टर्स को ही झेलनी पड़ती है। आई रिपीट, किसी भी थिएटर में जब प्ले किया जाता है उसका रिस्पॉन्स जो है उसको ऑडियंस चीयर कर सकती है अपनी तेज आवाज में, वो भी एक तरह से म्यूजिक हो गया, और वो चिल्लाकर भी जा सकते हैं आप पर, भैया आप ही को झेलना पड़ेगा जो भी होगा, फिल्म आपकी है, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा बुरा रिस्पॉन्स आएगा आप झेलेंगे। तो उस केस में फेस द म्यूजिक उस म्यूजिक के लिए रखा गया जो ऑडियंस आपको देती है, एक ये टर्मिनोलॉजी मानी जाती है। एक और मानी जाती है कि जब मिलिट्री से किसी को उसके गलत बिहेवियर के लिए डिसमिस किया जाता है तो उसे बैंड वगैरह से हम लोग भेजते हैं, उसे ड्रम लगातार बजाते हुए वहां से विदा किया जाता है, विदाई उनकी अच्छे से की जाती है, इसीलिए वहां भी एक तरह से म्यूजिक आता है। लेकिन वो म्यूजिक पॉजिटिव टर्म का नहीं है, आपको डिसमिस किया गया है, आपने परेशानी झेली है, तो ये म्यूजिक नेगेटिव टर्म दिखा पाता है, और इस नेगेटिविटी को दिखाने के लिए फेस द म्यूजिक का मतलब होता है बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज, परेशानी है, रिजल्ट जो भी नेगेटिविटी होगी वो आपको झेलना पड़ेगा, उसे बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज में रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फेस द म्यूजिक, जो ड्रम होगा आपके डिसमिसल के लिए वो आपकी जिम्मेदारी है, बुरा रिस्पॉन्स आएगा आपकी जिम्मेदारी बनती है, सो यू हैव टू फेस द म्यूजिक, मतलब यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी परिणाम होगा उसके जिम्मेदार आप हैं। द नेक्स्ट टर्म, लुक डाउन ऑन अपॉन, बोथ आर द सेम। लुक डाउन ऑन, इसका एक्चुअल मतलब होता है टू फील सुपीरियर टू समवन। लुक डाउन, तुम कहाँ स्टैंड करते हो मेरे आगे, यानी किसी की तरफ नीची निगाह से देखना, यानी किसी को नीचा देखना, खुद को सुपीरियर समझना, मीनिंग वही लिखा है, हेट इंटेंसली, किसी से नफरत करना, इन टर्म्स ऑफ उसे सुपीरियर ना मानकर उसे इन्फीरियर मानकर और खुद को सुपीरियर मानकर। तो जब हम किसी की तरफ ऊपर देखेंगे तो शायद हम उसे सुपीरियर मानते हैं, और जब किसी की तरफ नीचे देखते हैं तो हाँ छोटा है मुझसे, क्या वो क्या सिखाएगा मुझे, यानी खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझना। अब जहाँ पर हमारा सेंस खुद को ज़्यादा प्राउड फील करने का आ जाता है, सामने वाला छोटा हमें लगने लगता है, उस सेंस में लुक डाउन अपॉन और ऑन कहा जाता है। तो ही वॉज लुकिंग डाउन ऑन मी, यानी वो तो मुझे बहुत नीचा समझता है, मतलब खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता है। To feel superior is called to look down on or upon. Flogging a dead horse, बहुत रिजल्ट के बाद मिल जाती हैं सीडियम्स। तो flogging a dead horse एक अच्छी चीज है, एक अच्छा मीनिंग आपको इससे दे पाऊं। What is the meaning of flog, जिसके flogging बना है? तो flog का मतलब होता है कौड़े मारना। अब कौड़े मारे गए हैं और किस में? एक dead horse में, मतलब अगर किसी घोड़े में हम लोग चाबुक और कौड़े मारते हैं तो वो भागता है, साथ में गाड़ी लेकर भी जाता है, तो ठीक है हमारी घोड़ा गाड़ी और ये चीज़ें चलती रहती हैं, घोड़े में चाबुक मारते हैं तो वो हमें रेस कॉम्पिटिशन्स में फाइट करके आगे फर्स्ट ला देता है, कहीं ना कहीं चलने का ही काम कर देता है, बट हाँ ये सारे घोड़े जिंदा होना आवश्यक हैं। अगर किसी मरे हुए घोड़े को आप चाबुक मारेंगे, उसे कौड़े मारते हैं, वो कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इट इज़, इसका मतलब ही होता है वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट। आप घोड़े में चाबुक मारते हैं वो आपका काम करके देगा, डन, बट मरा हुआ घोड़ा चाबुक मारने पर कुछ नहीं कर पाएगा। सो फ्लॉजिंग अ डेड हॉर्स, मतलब किसी मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना फ्यूटाइल, बिल्कुल व्यर्थ का प्रयास है आपका, व्यर्थ का काम है। तो ऐसी चीज़ में टाइम बर्बाद करना जिससे कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, उसे फ्लॉजिंग अ डेड हॉर्स कहा जाता है। किसी मरे हुए घोड़े में चाबुक मारना यानी अपना समय बर्बाद करना, इट इज़ नॉट गोइंग टू कम टू एनीथिंग, उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, इसलिए वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट। अंडर अ क्लाउड, ये जो idiom है वैसे तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं, उस पर घने बादल छाए हैं, तो अंडर सस्पिशन, संदिग्ध हो सकता है, परेशानी हो सकती है। ये एक प्ले से लिया गया है जहाँ पर किसी ने मौकरी करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए एक कैरेक्टर बनाया था, इल विल कैरेक्टर उनका नाम रखा था, इल विल कैरेक्टर, यानी उसकी इच्छा शक्ति हमेशा उल्टी रहेगी। तो वो कुछ ऐसा था कि वो जहाँ भी जाता था, जैसे कई स्टोरीज़ में हम लोग कई कैरेक्टर्स देखते हैं अजीबोगरीब जिनके साथ कोई स्पेशल क्वालिटी जुड़ी होती है, ऐसा ही कुछ वहाँ पर भी था कि एक कैरेक्टर ऐसे बनाए गए थे जिनके साथ हमेशा बुरा भाग्य चलता था। पूरा सनी डे है, बिल्कुल वेदर क्लियर है, फिर भी उनके सर के ऊपर एक काला बादल हमेशा मंडराए रहता था, यानी कुछ ना कुछ गलत उनके साथ होने वाला है। तो उसी संदिग्ध चीज़ को दिखाने के लिए अंडर अ क्लाउड उस कहानी से लिया गया है, उस प्ले से लिया गया है जहाँ पर कोई कैरेक्टर था जिसके ऊपर पूरे दिन वो कहीं भी जाता था उसके साथ वो काला बादल उसके सर पर लगा हुआ जाता था।
showing your misfortune, आपका भविष्य खराब हो सकता है, आपका लक खराब है, etc. यानी कुछ ना कुछ चीज़ आपकी गड़बड़ है. तो show under suspicion is under a cloud. किसी भी चीज़ में जब कोई doubt आ जाती है, जब हम उसे negative मानने लगते हैं, कुछ भी दुर्भाग्य आप कह सकते हैं, उसे under a cloud और under suspicion कहा जाता है. Green thumb. Actually इसका answer लिखा है to have a natural interest. But ये precisely होता है to have a natural interest in farming, to have a natural interest in planting, पौधों के लिए, खेती के लिए, इन सब के लिए कहा जाता है. Actually ऐसा माना जाता है पुरानी कहानियों के अनुसार, क्योंकि idiom phrases आज के ज़माने में नहीं बनी, ये बहुत पुरानी है, कोई 16th, 17th, even 14th century की भी. तो ऐसा मानते हैं कि जो इंसान फार्म में काम कर रहा है, जो इंसान गार्डन में काम करता है, पूरे दिन घास वास से काम करने के बाद उसके हाथ भी हरे हो जाते हैं घास की वजह से. तो किसी का हाथ जब हरा हो चुका है, किसी का थंब, हाथ, फिंगर्स एक ही बात है, जब हरी हो चुकी है, तो इसका मतलब इसका काम ज़रूर कहीं ना कहीं गार्डनिंग का होगा, ज़रूर इसको पौधों के साथ कुछ ना कुछ काम करना अच्छा लगता होगा. तो शो अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, टू शो अ नेचुरल इंटरेस्ट इन फार्मिंग, टू नेचुरल इंटरेस्ट इन प्लांट्स, उसे ग्रीन थंब कहा जाता है. ऐसा मान लीजिए कि हम लोग जिस चीज़ में काम करते हैं, अगर उंगली पर वही कलर आ जाता है, तो उसका इंटरेस्ट हमारा उसी चीज़ में होगा. अब उस केस में आपका ग्रीन थंब है, और ग्रीन अक्सर ग्रीनरी को दिखाया जाता है, हम लोग वेजिटेरियन के तौर पर हमेशा पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपका थंब ग्रीन है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पौधों के प्रति थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं. सो हैव अ ग्रीन थंब इज टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन प्लांटिंग, गार्डनिंग, ईटीसी. प्लेड हैवक. हैवक शब्द का खुद का मतलब होता है तबाही. आई रिपीट, हैवक का मतलब होता है तबाही, डिस्ट्रक्शन. और प्ले हैवक, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ को तबाह कर देना, किसी चीज़ को नष्ट कर देना, तबाही ला देना कहीं पर, इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तेज हवा चली और उसके बाल खराब हो गए. सो द स्टॉर्म, द थंडर स्टॉर्म रेज्ड हैवक टू हर हेयर. उसके बाल उसके चक्कर में खराब हो गए. भाई बहुत तेज, मैंने एकदम से फैन ऑन कर दिया, वो मेरे सारी शीट्स उड़ गई वहां जब रखी हुई थी. तो वहां पर आप हैवक कह सकते हैं. प्रिसाइजली इसका पहले इस्तेमाल कुछ ऐसे किया जाता था कि जो लोग रूलर होते थे, जो डिक्टेटर होते थे, जब वो लोगों को मारने जाते थे, तो जैसे हम लोग कहते हैं आक्रमण, एक तरह से तबाही कर देना दिखाता था, तो वो लोग हैवक को इस्तेमाल करते थे. ये 18th सेंचुरी से पहले का इसका मीनिंग है, यानी बिल्कुल तबाह कर देना, लोगों को मार देना. बाद में इसको थोड़ा लेस किया गया, यानी कि लोगों को मारना नहीं, किसी भी चीज़ को तबाह कर देना, घर नष्ट हो गए, उस चीज़ के लिए भी हमेशा हैवक लिखा जाता है. तो कभी रूट में भी ध्यान रखिएगा, हैवक जहाँ भी इस्तेमाल होगा, रैथ हैवक, रेज हैवक, प्ले हैवक, इन सब का मतलब हमेशा तबाही से होता है. सो टू प्ले हैवक इज टू कॉज डिस्ट्रक्शन. इसका मतलब आप किसी चीज़ को नष्ट कर देते हैं. एक बार क्विक रिविजन, फेस द म्यूजिक, आपको जो भी परिणाम होगा आप झेलेंगे. टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज, लुक डाउन ऑन एंड अपॉन, यानी किसी को नीचा देखना, यानी खुद को सुपीरियर फील करना. फ्लॉज अ डेड हॉर्स, मरे हुए हॉर्स को आप अगर चाबुक मारते रहेंगे तो उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला. अंडर अ क्लाउड, घने बादल छाए हुए हैं, कोई ना कोई सस्पिशन आपसे है. ग्रीन थंब, आपका तो हाथ ही हरा है, पूरे दिन गार्डनिंग करते हैं क्या, यानी टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन समथिंग. और प्ले हैवक, एक तरह से तबाही करना, एक तरह से चीज़ों को नष्ट कर देना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. No love lost between. अगर इसको आप डिराइव करने बैठे, जैसे मेरी भी फर्स्ट ग्लैंस में जो सोच थी, no love lost, यानी प्यार कम नहीं हुआ है, कुछ भी कम नहीं हुआ है between those people, तो इसका मतलब होना चाहिए कि उनके टर्म्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके बीच का प्यार कम नहीं हुआ है. जबकि इसका मीनिंग होता है not on good terms, जिनके बीच में टर्म्स अच्छे नहीं हैं. ऐसा नहीं लगता एक दूसरे के विपरीत मीनिंग दे रहा है, ये तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया. आई रिपीट, नो लव लॉस्ट बिटवीन, जिनके बीच में लव खत्म नहीं हुआ है, तो यानी कि वो अच्छे टर्म्स में है, लेकिन इसका मीनिंग होता है नॉट ऑन गुड टर्म्स. तो वही रिसर्च दिखाना चाहूँ जो मैंने कई दिनों में आपको ये कुछ दे पा रहा हूँ, कि इसका एक्चुअल मीनिंग जो बना था 18th सेंचुरी से पहले, इसके दोनों मीनिंग होते थे. नो लव लॉस्ट बिटवीन, उनके बीच जरा भी प्यार कम नहीं हुआ है, यानी उनके बीच बहुत सारा प्यार है. तो इसके दोनों मीनिंग होते थे. इसका मीनिंग पॉजिटिव टर्म्स में भी होता था, उनके बीच बहुत प्यार है, या फिर जस्ट उल्टा, उनके बीच बिल्कुल भी प्यार नहीं है. 18th सेंचुरी से पहले इसके दोनों मीनिंग हुआ करते थे, टू हैव लव और टू नॉट हैव लव, एक सेंस में आप मान सकते हैं. 18th सेंचुरी के बाद इसका वो पॉजिटिव मीनिंग हटा दिया गया, इसको आज सिर्फ नेगेटिव रोल में ही इस्तेमाल किया जाता है.
नो लव लॉस्ट बिटवीन, आई रिपीट, कि इसका मतलब यही लगेगा कि उनके बीच का प्यार खत्म नहीं हुआ है, अच्छे टर्म्स हैं, बट उस जमाने में इसके दोनों मीनिंग हुआ करते थे, बहुत अच्छे टर्म्स, बहुत बुरे टर्म्स. आज इसका इस्तेमाल सिर्फ बुरे टर्म्स के लिए ही किया जाता है, भाई उनके बीच तो लड़ाई हो गई है, देर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन दैम, अब उनके बीच अच्छे टर्म्स बिल्कुल नहीं है. तो जहाँ पर नॉट ऑन गुड टर्म्स आप दिखाना चाहें तो वहाँ पर कभी भी नो लव लॉस्ट बिटवीन का इस्तेमाल किया जा सकता है. वापस कहूँगा, पहले ये पॉजिटिव मीनिंग रखता था प्लस नेगेटिव, आज ये सिर्फ नेगेटिव मीनिंग रख पाता है. फेयर एंड स्क्वायर, इसको इसकी राइमिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है. फेयर कह देने से ही हम लोग मान सकते हैं साफ है, सही है, सुथरा है, इसका मतलब वो ऑनेस्ट है. और स्क्वायर बिल्कुल भाई चौकोर शेप है उसका, बिल्कुल भी इधर से कॉर्नर्स खराब नहीं है उसके. तो किसी भी चीज़ का जो ऑनेस्ट आंसर होता है, किसी भी चीज़ का जो रियल पॉसिबिलिटी है, उसे हमेशा फेयर एंड स्क्वायर कहा जाता है. एक तरह से बोलने में इनकी राइमिंग सेम आती है, मीनिंग बिल्कुल सेम है. तो इनको ऑनेस्ट दिखाने के लिए, रियल दिखाने के लिए, वास्तव की जो चीज़ है वही का वही दिखाने के लिए फेयर एंड स्क्वायर कहा जाता है. समथिंग इज फेयर एंड स्क्वायर, दैट मीन्स समथिंग इज ऑनेस्ट, रियल. द नेक्स्ट वन, अ वाइट एलिफेंट. व्हाइट एलिफेंट का डायरेक्ट मीनिंग देखेंगे तो कॉस्टली और ट्रबलसम पोजिशन लिखा हुआ है. एक ऐसी चीज़ जिस पर आपका अधिकार तो है लेकिन वो इतनी ज़्यादा महंगी है कि आप उसे फीड नहीं कर सकते हैं. ये कहानी पर डिपेंडेंट है. सियाम कहीं के राजा थे जो जिनके पास कुछ हाथी हुआ करते थे, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे थे एक तरह से, लेकिन उनको पालने के लिए बहुत कुछ की ज़रूरत पड़ती थी. तो जो उनके दरबार में उन्हें पसंद नहीं आता था वो पोलाइटली उनको गिफ्ट कर देते थे, आज से हम अपना हाथी आपको देते हैं, ये आपके नाम हुआ, आप ले जाइएगा. अब आप ले तो जाइएगा, फ्री में दे दिया आपको, लेकिन उसको खिलाएगा पिलाएगा कौन? तो उस केस में इसका इस्तेमाल वो उसको नष्ट करने के लिए करते थे. आई रिपीट, अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज़ दे दूँ, जैसे मान लीजिए कोई 10 करोड़ की कार हमने खरीद ली, मैंने आपको गिफ्ट कर दी, किसी ने आपको गिफ्ट कर दी, अब 10 करोड़ से फ्री में तो मिल गई, बट उसको मेंटेन कौन करेगा, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कौन देगा? तो उस केस में उनका इंटेंशन राजा का यही हुआ करता था कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जो बहुत कॉस्टली है, लेकिन आप इसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप इसे फीड नहीं कर पाएंगे, और उसको फीड करते करते कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे, अपने बर्बादी की तौर पर आ जाएंगे. तो ये उस कहानी से लिया गया है. अ वाइट एलिफेंट, एक ऐसी चीज़ जिसका अधिकार आप पर है बट इतनी ज़्यादा कॉस्टली है कि उसे फीड करना, मेंटेन करना बुरा हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, और रिजल्टिंग इंसान एक तरह से बिल्कुल अपनी सारी चीज़ें खो देता है, नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है. उस केस में उसे वाइट एलिफेंट कहा जाता है. सो अ वाइट एलिफेंट मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर हमारा हक है बट जो बहुत ज़्यादा महंगी है, जिसको हम मेंटेन नहीं कर सकते, फीड नहीं कर सकते. आउट एंड आउट, ये तो वैसे ही दिख रहा है, किसी भी चीज़ को आपने एक बार मार्क कर दिया, दोबारा मार्क कर दिया, उसके बाहर 4 बार मार्क कर दिया, कम्प्लीटली फुलफिल किया गया है, टोटली कम्प्लीटली चीज़ को आउट एंड आउट कहा जाता है. किसी भी चीज़ को पूरा फिल कर देने के लिए, उसके बाहरी स्तर को आपने जब एक बार कवर कर दिया, टेपिंग कर दी फॉर एग्जाम्पल, 4 बार टेप कर दी, यानी फुली कवर्ड है, फुली प्रोटेक्टेड है. तो किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली दिखाने के लिए आउट एंड आउट एक एडवर्ब इस्तेमाल की जाती है. ऑन द कफ, ऐसी 2 idiom बनती हैं, ऑन द कफ, ऑफ द कफ. हाल फिलहाल इसकी बात करते हैं. ऑन द कफ का मतलब होता है कि उधारी पर, ऑन क्रेडिट. तो ये बहुत अच्छे मीनिंग से लिया गया है. द वेरी फर्स्ट थिंग, इसमें कफ का मीनिंग देखिए. कफ कहा जाता है हमारे शर्ट के इस भाग को. जब ये शर्ट फुल आप पहनेंगे तो जहां पर आप बटन लगाते हैं वो जो हार्ड सा पार्ट होता है उसे कफ कहते हैं. सिमिलरली यहां पर भी, यहां पर भी उसे कफ कहा जाता है. अब ऑन द कफ तो एक तरह से ये लिया बार से गया है, बियर बार्स वगैरह से, कि जहां पर कई बार इंसान जाता है अपनी ड्रिंक्स के पैसे खुद दे देता है. कई बार ऐसा होता है कि वो बार्टेंडर को बोल देता है, भाई मैं एक बार तुम सारी ड्रिंक्स देते जाओ, मैं लास्ट में आपको पे कर दूंगा, और लास्ट वो उन्हें पे करता नहीं है. तो वो हिसाब वगैरह कुछ भी कहीं भी लिख लिया. तो इसका इस्तेमाल वहीं से लिया गया था पुराने ज़माने से, कि अब आप अपनी बियर का पैसा दे नहीं पा रहे हैं तो दूसरों को कहकर चले गए, स्पेशली बेचारे बारटेंडर को कहकर चले गए, उसको आपने लिखवा दिया है, हमारा खाता उस पर चलता है. उस सेंस में ऑन द कफ कहा जाता था, यानी एक तरह से किसी लिस्ट पर वो कफ जो हार्ड पार्ट होता है आपका, उस पर लिख लिया है. तो ऑन द कफ वहां से इस्तेमाल किया गया था. इसका एक और idiom वर्जन होता है, ये उधारी पर है, ऑन द कफ. दूसरा होता है ऑफ द कफ, OFFTHECUFF, जिसका मतलब होता है एक्सटेम्परी, यानी बिना प्रिपरेशन के. ये भी ऐसे ही लिया गया था. कई बार होता है, शायद हमें से कभी किसी ने किया हो,
कि हमें एग्ज़ाम है कल और अब ज़्यादा चीज़ें याद नहीं है, फिर क्या करें? तो एक काम करते हैं, हाथ पर लिख कर ले जाते हैं, अब हाथ की चीज़ तो दिख जाएगी। तो एक काम करते हैं, शर्ट को फोल्ड करते हैं, यहाँ अंदर लिख लेंगे उसके कफ पर, और वापस शर्ट पहनकर चले जाएंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी शर्ट फोल्ड करेंगे, वहाँ से देखेंगे, लिख लेंगे। तो वो मैं तैयारी करके नहीं आया था, बिना तैयारी के वो शर्ट पर लिख कर मैंने अपना पूरा पेपर लिख दिया, एक्सटेम्परी के तौर पर, इम्प्रॉम्प्टू के तौर पर, बिना तैयारी की किसी भी चीज़ को ऑफ द कफ कहा जाता है। ऑन द कफ उधारी पर, वो बार्टेंडर्स को आप पे करने के लिए कहा है, वापस गए नहीं करने, और ऑफ द कफ किसी वीडियो में आपको मिल जाएगी, जिसका मतलब होता है एक्सटेम्परी, बिना प्रिपरेशन के। नेक्स्ट वन, डज नॉट होल्ड वाटर, नेगेटिव कर दिया है, आप पॉजिटिव ले लीजिए। होल्ड वाटर, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर पानी रुक सकता है, इसका मतलब वो चीज़ रियल में एग्जिस्ट करती है, उसका एग्जिस्टेंस है, इस बात पर भरोसा किया जा सकता है। अब आप ये हवा में मुझसे कहें कि देखो यहाँ पर कोई चीज़ रखी है, मुझे तो नहीं दिख रही, एक काम करते हैं पानी डालकर देख लेते हैं। अगर पानी वहाँ रुक पाएगा, इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ होगी, और पानी अगर नीचे गिर जाता है, नहीं रुक पाता है, इसका मतलब वहाँ कुछ था ही नहीं। तो कोई चीज़ ऐसी जो पानी होल्ड कर पाती है, यानी कि कुछ भी सब्सटेंस, मैंने कई बार कहा है इडियम्स का मतलब उनके शब्दों से नहीं होता, तो यहाँ पानी से कोई रिश्ता नहीं है। कोई भी चीज़ जिस पर एग्जिस्टेंस है, मतलब मैं उसका भरोसा कर सकता हूँ, और कोई भी चीज़ जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। समथिंग दैट होल्ड्स वाटर इज कॉल्ड समथिंग दैट कैन बी बिलीव्ड, उस पर भरोसा किया जा सकता है, और समथिंग दैट डज नॉट होल्ड वाटर कैन नॉट बी बिलीव्ड। ऐसी चीज़ जिस पर पानी नहीं रुक सकता, कोई चीज़ रुक नहीं सकती, तो भाई ऐसा कुछ होता ही नहीं है, उसको कैन नॉट बी बिलीव्ड में रखा जाता है। तो एक बार वापस रिवाइज करना चाहें, नो लव लॉस्ट बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव मीनिंग, आज सिर्फ नेगेटिव रह गया है, आज उनके अच्छे टर्म्स नहीं है उनके बीच में। फेयर एंड स्क्वायर, एक तरह से ऑनेस्ट कह दीजिए, साफ सुथरा जो है रियल है, आपके सामने है। अ वाइट एलिफेंट, एक ऐसी चीज़ जो हमारे पास है बट उसे फीड नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते हैं, आउट एंड आउट, कम्प्लीटली टोटली। ऑन द कफ उधारी पर, ऑफ द कफ इन एक्सटेम्परी, इम्प्रॉम्प्टू, बिना प्रिपरेशन के, और डजंट होल्ड वाटर, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट वन इज अ वाइल्ड गूज चेज। ये भी एक कहानी पर डिपेंडेंट है, वाइल्ड गूज। सबसे पहले ये देखें गूज क्या होता है, तो मुझे इसका हिंदी शब्द नहीं पता, बिकॉज शायद हिंदी में नहीं होता। एक ये कह दीजिएगा हंस से बड़ा एक जानवर आप कह सकते हैं, उसी शेप का, उसे गूज कहा जाता है, जो वाइल्ड होता ही नहीं है। तो पुराने ज़माने में ये एक पैटर्न चलता था कि राजा जिस तरफ जाएंगे आपको भी उनके पीछे उसी तरफ जाना है, और वो भी अक्सर जंगल में। तो एक तरह का, जैसे जानवर जिस दिशा में चलते हैं उस तरह का पैटर्न वो फॉलो करते हुए जाते थे, उस चेज़ को वाइल्ड गूज चेज़ कहा जाता था। आप ऐसा मान लीजिएगा जैसे हम लोग कस्तूरी और वो इस्तेमाल करते हैं, पूरे जंगल में वाइल्ड गूज को आप ढूंढ आइएगा, जब वाइल्ड यानी जंगली गूज या बतख कह दीजिए, हंस कह दीजिएगा, होती ही नहीं है, तो आप उसे ढूंढते रहिए, वो आपको कभी नहीं मिलनी। अगर वाइल्ड गूज होगा तो आपको मिलेगा ना, अब उसे चेज करते रहिएगा। तो ऐसा प्रयास, जो चीज़ है ही नहीं उसको ढूंढने का प्रयास करना, व्यर्थ का प्रयास कहा जाता है, फ्यूटाइल सर्च। अमेरिकन साउंड फ्यूटल होता है, ब्रिटिश साउंड फ्यूटाइल है, तो फ्यूटाइल सर्च कह दीजिएगा। आई रिपीट, वाइल्ड गूज है नहीं, एक तरह से जंगली बतख और जंगली हंस नहीं होते हैं। अब उन्हें आप ढूंढने के लिए किसी भी पैटर्न में चले जाइएगा, आप ढूंढते रहिए, जब वो चीज़ है ही नहीं, कोई ऐसा क्रिएचर ढूंढिए ना जो एग्जिस्ट करता है, जो क्रिएचर एग्जिस्ट नहीं करता उसे आप ढूंढते रहेंगे, कभी भी ढूंढ लीजिएगा, व्यर्थ का प्रयास कहा जाता है। अ वाइल्ड गूज चेज इज कॉल्ड फ्यूटाइल सर्च, फालतू का प्रयास करना वाइल्ड गूज चेज में आ जाता है। इन अ टाइट कॉर्नर, तो कोई भी कह दीजिएगा, टाइट कॉर्नर एक तरह से कोने में कहीं भी आ जाना, ये इडियमेटिकली आप समझिएगा, इसका मुझे कोई रूट नहीं मिला, ये इडियम कहाँ से आई है। इन अ टाइट कॉर्नर, भाई अब तो कुछ ना कुछ आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टाइट एक तरह से वही क्लोज दिखा पाता है। इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। गोइंग प्लेसेस, ये इस तरह से बनता है कि वो इंसान, भाई उसको तो हर जगह जाने का आइडिया है, उसने ये देश भी घूमा है, वो देश भी घूमा है, इस शहर भी गया है, वो शहर भी गया है, ये चीज़ भी देखी है, वो चीज़ भी देखी है। अब वो इंसान जो हर जगह जाता आता रहता है, गोइंग प्लेसेस, जगह जगह पर, तो ज़रूर उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया होगा, और उसे आप टैलेंटेड कह सकते हैं, उसे आप सक्सेसफुल कह सकते हैं, बिकॉज उसने हर जगह देखी है, हर जगह का उसे एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर उसे टैलेंटेड और स्किलफुल कहा जा सकता है। तो गोइंग प्लेसेस इन टर्म्स ऑफ टैलेंटेड एंड स्किलफुल, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस्ड, इन टर्म्स ऑफ सक्सेसफुल, जिसने हर जगह देखी है, हर चीज देखी है, हर चीज का एक्सपीरियंस उसको है, इसका मतलब वो सक्सेसफुल है। तो गोइंग प्लेसेस इन टर्म्स ऑफ टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। इन कोल्ड ब्लड,
इसके पीछे बहुत सारे एटमोलॉजी एसोसिएट होती हैं. कुछ लोग कहते हैं इस वजह से इसका मीनिंग ऐसा है, कुछ लोग कहते हैं इस वजह से ऐसा है. मीनिंग चेक कीजिए, अ मर्डर डन विदाउट इमोशन, बिना फीलिंग से किसी का मर्डर कर देना. तो ऐसा माना जाता था पिछले समय में कि जब इंसान का खून गर्म होता है तब उसके पास इमोशन फीलिंग्स जैसी चीज़ होती है. गुस्से में आके उसने मुझसे ये कह दिया, वैसा कह दिया. और जब इंसान का खून शांत है, कोल्ड है, तो उसके अंदर इमोशन वगैरह नहीं माने जाते हैं, वो बिल्कुल एक तरह से ऐसा पहले माना जाता था. आप इसे आज की जनरेशन में जज ना करें, इंडियन फ्रेजेस सारी पुरानी बनती हैं. तो जहाँ पर हमारा खून गर्म है तो हम सोच समझ कर वो काम करेंगे, हमारे इमोशंस के साथ करेंगे, सोच के हिसाब से करेंगे. जब हमारा खून ठंडा है तो ऐसा माना जाता है इमोशन नहीं होते इंसान के पास, तो चुपचाप से उसने छुरा घोंप दिया उसके. यानी अ मर्डर डन विदाउट इमोशन, जहां पर आपके इमोशंस नहीं आते हैं उस मर्डर को, स्पेशली ये मर्डर के लिए आता है, उसे इन कोल्ड ब्लड कहा जाता है. तो ही वॉज मर्डर्ड, यानी कि उसे अगर आपने गुस्से में मारा है, यानी अपनी सोच समझ के अकॉर्डिंग मारा होगा, और उसे आपने बिल्कुल कोल्ड ब्लड में, यानी कि जब आपका खून ठंडा था, जब आपके पास इमोशन नहीं थे, इसलिए ब्रूटली भी कहा जाता है. ब्रूटली मतलब निर्दयता से, जब आपके अंदर इमोशन नाम की चीज़ ही नहीं है, यानी आपका खून ही नहीं है एक तरह से, जो ठंडा पड़ा हुआ है बिल्कुल. अब मैं सहमत हूँ, आज के ज़माने में ठंडे खून को हम रूड नहीं दिखाते हैं, पोलाइट दिखाते हैं. गर्म खून मतलब जो गुस्सा करता है, बट ये उस ज़माने की इडियम है, इसको एज इट इज़ ध्यान रखिएगा. मैंने तो नहीं बनाई, जैसा है वो मीनिंग शो कर पा रहा हूँ. इसके रूट के अनुसार इसका मतलब होता है मर्डर डन विदाउट इमोशन, जहाँ पर आपके इमोशंस वगैरह हटा दिए जाएँ, निर्दयता से, क्रूरता से जो मर्डर किया जाता है उसे इन कोल्ड ब्लड कहा जाता है. ऑफ एंड ऑन, कोई चीज़ ऑफ है, कोई चीज़ ऑन भी है, कभी कभी बंद हो जाती है, कभी कभी चालू हो जाती है, तो एक तरह से ओकेजनली, कभी कभी ऐसा होता रहता है, हमेशा नहीं. ऑफ एंड ऑन मतलब ओकेजनली दिखाते हैं, कभी बंद है, कभी चालू है, कभी बंद है, कभी चालू है, यानी कभी 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 ऐसा होता रहता है. ओकेजनली, रैंडम तौर पर, उसे ओकेजनली कहते हैं. हार्ड एंड फास्ट, इसका मतलब आज बहुत कॉमन तौर पर यूज़ किया जाता है. भाई सैटरडे है, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट है क्या कि हम लोग को यूनिफॉर्म पहनकर आना है? यानी स्ट्रिक्टली ऐसा कुछ है कि हमें यूनिफॉर्म पहना होगा? हार्ड एंड फास्ट एक कॉमन वर्ड है हमारी वोकैबुलरी के लिए, जिसका मतलब होता है स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्ट. अब ये बना कहाँ से? तो इसका मतलब ऐसे बना था, कोई भी चीज़ ऐसी जो बहुत हार्ड है, उसे आपने पानी में रखा और उसके बाद कहीं पर रख दिया, तो वो चूंकि हार्ड है वैसे ही वो एक जगह रखी रहेगी. और हार्ड है चीज़ है तो पहली बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फास्ट का मतलब तेज़ी नहीं है, यहां पर फास्ट का मतलब चिपकने से है. अगर याद नहीं है कि फास्ट का मतलब चिपकना भी होता है, तो नोटिस कीजिएगा, जब फैन वगैरह टांगते हैं तो वहां पर फास्टनर लगाया जाता है जिससे वो वहीं पर लटका रहे. फास्ट का मतलब चिपकने से भी होता है. तो हार्ड मतलब वो चीज़ चूंकि हार्ड है, वेट बहुत अच्छा है उसका, और वो वहाँ चिपकी भी हुई है, यानी अब उसको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता. तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है, हार्ड होने के बावजूद वो चिपक जाती है, उसे स्ट्रिक्ट कहते हैं. ये वहीं से बना कि पानी में कोई चीज़ रखी हुई है, उसको आपने बाहर रख दिया, वो बहुत बड़ा शेप था, वो शिप के लिए भी आता है, बोट्स के लिए भी आता है, वो बहुत बड़ा शिप था, अब वो वहाँ पर जाकर चिपक गया. अभी कभी देखिएगा, कभी कोई चीज़ पानी में आकर रेत पर जब रखी जाती है तो वो एक तरह से वहाँ चिपक जाती है. तो वो हार्ड थी और वो वहाँ फास्ट हो चुकी है, चिपक चुकी है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली अब वो वहीं के वहीं रहेगी, उसे हार्ड एंड फास्ट कहते हैं. एक क्विक रिविजन, वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड गूज होता नहीं है, ढूंढते रहिएगा, यानी फ्यूटाइल, व्यर्थ का प्रयास करना. इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, गोइंग प्लेसेस, हर जगह गए हैं उसको तो बहुत एक्सपीरियंस है, वो तो बहुत टैलेंटेड है, सक्सेसफुल है. इन कोल्ड ब्लड, जब आपको फीलिंग्स ना हो, निर्दयता से किसी का मर्डर कर देना. ऑफ ऑन ओकेजनली, कभी कभी. और हार्ड एंड फास्ट, जो चीज स्ट्रिक्ट हो जाती है उसे हार्ड एंड फास्ट कहते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. टुक टू हील्स या टेक टू हील्स, अब ये भी उन्हीं इडियम्स में से है, जैसे एक थी कि नो लव लॉस बिटवीन, उसका मतलब है कि प्यार खत्म नहीं हुआ, जब इसका मतलब होता था कि अब उनके बीच प्यार नहीं है. नो ऑन, नॉट ऑन गुड टर्म्स, ये भी कुछ ऐसा है. इसको मौकरी के लिए बनाया था, मजाक उड़ाने के लिए बनाया था. टुक टू हील्स मतलब हील लेकर एक तरह से. और नोटिस कीजिएगा, जब आप हील पहने होते हैं तो भागना पॉसिबल नहीं है, जबकि इसका मतलब होता है रन अवे इन फियर, भागने को कहा जाता है. तो ये कुछ ऐसा माना जाता है मजाक उड़ाने के लिए कि आप हील पहनकर आ गए, अब कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो आप भागेंगे नहीं, भाग कैसे पाएंगे. तो एक काम कीजिए, अपनी हील्स उठाइए, टेक योर हील्स एंड रन अवे. अब हील्स उठाकर नंगे पैर हैं, आप आसानी से फ्रीडम से भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं. तो ये मजाक के तौर पर इडियम ली गई थी. टेक टू हील्स यानी आपकी जो हील्स हैं, एक तरह से उन्हीं को उठा लीजिएगा और आप बिल्कुल फ्रीली अपने पैरों से कहीं भी भाग दौड़ सकते हैं. तो टू रन अवे इन फियर, ऐसा होता है कई बार इंसान हील पहनकर धीमे धीमे चलेगा और जब एकदम से परेशानी आती है, तेजी से भागना है, तो वो हील्स उठाई उसने और वो वहां से निकल लिया. टेक टू हील्स टू रन अवे इन फियर. टू कीप अप,
इसका मतलब होता है टू कीप इन टच, यानी किसी चीज को बनाए रखना। ये भी वैसे ही लिखा गया था कि मोमबत्ती है, गिर जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अक्सर गिर जाता है, तो कीप अप, उसको ऊपर बनाए रखिएगा, उसको स्टैंड करे रखिएगा, उसको जैसा था स्थिर बनाए रखिएगा, और वो स्थिर सेंस दिखाने के लिए उसके लिए हमेशा कीप इन टच, यानी पकड़े रहेंगे जब तक, तब तक वो ऊपर रहेगा, टू कीप अप, और आप छोड़ देंगे तो वो चीज़ नीचे गिर सकती है, इसीलिए कीप अप मतलब टू कीप इन टच, किसी चीज़ को मेंटेन करना, बनाए रखने के लिए कीप अप कहा जाता है। कई बार हम ये भी कहते हैं कीप अप द गुड वर्क, जो आप कर रहे हैं करते रहिए, अच्छा काम कर रहे हैं कीप अप, उस केस में हमेशा कीप अप लिखते हैं, यानी किसी चीज़ को मेंटेन करते रखना, किसी चीज़ को बनाए रखना, किसी चीज़ को अप रखना, जो चीज़ है उसे मेंटेन करके रखना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, बहुत टाइम लगा इसको ढूंढने में, बट हाँ इसका मीनिंग आपको शायद अच्छे से दिखा पाऊँ। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट हम जानते हैं फॉर अ फीमेल ब्रेस्ट जो वर्ड मीनिंग रखते हैं, ब्रेस्ट वो पार्ट है शरीर का जो हार्ट के बिल्कुल क्लोज माना जाता है, और हार्ट एक तरह से हमारी सारी चीज़ें रखता है कि भाई मेरे दिल में वो चीज़ रह गई है, मेरे दिल में आपके लिए प्यार है, ETC। तो दिल के सबसे क्लोज जो शरीर का अंग है वो ब्रेस्ट माना जाता है, और मेक अ क्लीन ब्रेस्ट यानी साफ साफ जो मेरे दिल के पास था वो मैंने आपको बता दिया, यानी अपनी सारी चीज़ों को किसी को एक्सप्लोर कर देने के लिए टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट कहा जाता है, टू कन्फेस विदाउट रिजर्व, मन में कुछ भी नहीं है, जो था मैंने आपको बोल दिया, मैंने अपने दिल की सारी बातें आपको बोल दी। आई रिपीट, ब्रेस्ट दिल के पास माना जाता है, सबसे पास में जो अंग है, और मेक अ क्लीन ब्रेस्ट यानी साफ साफ जो था मैंने अपने दिल का सारा सब कुछ आपको बता दिया, तो कन्फेस विदाउट रिजर्व को मेक अ क्लीन ब्रेस्ट कहा जाता है। हेड्स विल रोल, इसका मतलब बहुत नेगेटिव टर्म्स के लिए आता है, ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस, आप हेड हैं इस डिपार्टमेंट के, आपने गलती की है, आपको फायर किया जाता है, अब नए हेड आएंगे आपकी जगह पर, जब उनसे गलती हो जाएगी उनको हटा दिया जाएगा, फिर नए हेड आएंगे, इसका मतलब हेड्स विल रोल, हेड तो बदलते रहेंगे, और ऐसा होता भी है, कभी बैंक में हम लोग जाते हैं, अभी उनके ब्रांच मैनेजर ये बैठे हैं, फिर उनका ट्रांसफर वहाँ हो गया, नए ब्रांच मैनेजर आ गए, फिर हेड हैं क्योंकि वो, फिर उनका ट्रांसफर कहीं हो गया, नए ब्रांच मैनेजर आ गए, तो ये जो रोलिंग प्रोसेस आजकल चलती रहती है कि ट्रांसफर उनका वहाँ हो गया, अभी वो वहाँ पर हैं, अभी उनकी पोस्टिंग वहाँ पर है, इसका मतलब होता है ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस, हेड मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विल रोल, घूमते रहते हैं, और अक्सर हायर अथॉरिटीज़ को घुमाया ही जाता है, कहीं उनकी पोस्टिंग यहाँ पर वहाँ पर, सो ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस शोज हेड्स विल रोल, इसका इस्तेमाल पहले नेगेटिवली होता था, आज भी है कि जब आपने गलती की है आपको हटा देंगे, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं हट जाइएगा, आपकी जगह नए को लेकर आएंगे, तो एक तरह से उनका तो ट्रांसफर हो गया, अब तो नए साहब आए हैं, हेड्स विल रोल, ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस। मेक नो बोन्स अबाउट द नेक्स्ट वन, मेक नो बोन्स अबाउट, बोन मतलब हड्डी, कुछ ऐसा मीनिंग होगा। डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन एनीथिंग, एक्चुअली ये वहां से बना था कि जब सूप बनाते हैं नॉनवेज के तौर पर, तो उसमें अगर कोई हड्डी का पार्ट आ जाए तो सूप जिस तरह पिया जाता है, बीच में हड्डी आ जाएगी तो थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ी सी रुकावट आ जाती है चीज़ों में, और कोई ऐसा सूप बनाकर लाए हैं जिसमें कोई हड्डी नहीं है तो वो आसानी से पिया जा सकता है, ये वहीं से डिराइव्ड है। मेक नो बोन्स अबाउट यानी जिस सूप में बिल्कुल भी हड्डी जैसी चीज़ नहीं है, यानी कोई भी ऐसी हार्ड चीज़ नहीं है जो उसको पीने में रुकावट पैदा कर सकती है, तो वो चीज़ आसानी से की जा सकती है। तो मेक नो बोन्स अबाउट यानी कि डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन एनीथिंग, किसी भी काम को करने में जब कोई भी परेशानी और रुकावट हमें फील नहीं होती तो वहाँ पर मेक नो बोन्स, बोन मतलब एक हार्ड पार्ट है, कोई भी ऐसी रुकावट नहीं है, मेक नो बोन्स अबाउट। एक बार जल्दी से देखें, टेक टू हील्स, भाग जाना बहुत जल्दी डर के कारण, टू कीप अप बनाए रखिएगा, कीप इन टच, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट अपनी दिल की बात किसी को साफ साफ कह देना, हेड्स विल रोल, ट्रांसफर तो भाई होते रहेंगे, पनिशमेंट मिलेगा वो जाएंगे, कोई नए साहब आ जाएंगे, एंड मेक नो बोन्स अबाउट, कोई भी हार्ड चीज नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, टू डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन एनीथिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, टेक आफ्टर, इसका मतलब होता है रिजेंबल के जैसे ही, बिल्कुल किसी से मिलना, मैच खाना किसी से, तो टेक आफ्टर, अब देखने में ये थोड़ा अजीब लगे, टेक आफ्टर मतलब रिजेंबल, टेक तो लेना होता है, ये बना ऐसे है कि भाई वो यहाँ के पुजारी थे, फॉर एग्जांपल कोई भी काम करते थे, उनका बेटा अब यहाँ का पुजारी है, तो वो चीज़ रिजेंबल करती है, अरे उन्हीं के बेटे तो हैं, पहले उनके पिताजी पूजा करते थे अब उनके बेटे हैं, यानी ये जो प्रथा चलती आई है ये वही लेकर आए हैं, टेकन आफ्टर योर एंसेस्टर्स एंड ETC, तो ये बना इससे था कि जो माता पिता के पास जो चीज़ें हैं या उनकी कोई भी चीज़ ऐसी पैतृक तौर पर है जो उनके बच्चे उपयोग करते हैं और फिर उनके बच्चों तक तो वो चीज़ें दी जाती हैं,
तो उसे टेक आफ्टर रखा जाता है, यानी कि रिजेंबल, जो चीज़ मैच खाती है। वहाँ के राजा वो थे, अब उनके बेटे को राजा बना दिया गया, फिर उनके बेटे राजा बन गए, यानी जो प्रथा है वो चलती आ रही है। इट इज़ टेकन आफ्टर पर्सन टू पर्सन, यानी कि वो कहीं ना कहीं मैच खाती है, वहीं के तो राजा थे, उनके बेटे, उनके बेटे। ये रिजेंबल दिखाना होता है प्रथा के तौर पर, ना कि शक्ल के तौर पर कि वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती है। इन टर्म्स ऑफ फेस नहीं, इन टर्म्स ऑफ योर एक्शंस, इन टर्म्स ऑफ योर क्रिएटिविटी। द नेक्स्ट वन इज टू स्टार्व ऑफ। स्टार्व भूखे रहकर मर जाने के लिए कहा जाता है, भूख से मरना एक तरह से। और कभी नोटिस कीजिएगा ओ डबल एफ ऑफ, ये जो एक एडवर्ब होती है इसका मतलब हमेशा दूरी के लिए लिखते हैं। जैसे एक बढ़िया सी लाइन कहना चाहूँ, कपड़े पहनने को इंग्लिश में पुट ऑन कहा जाता है, और कपड़े उतारने को, जूते उतारने को पुट ऑफ कहा जाता है। यानी शरीर पर रख लिया ऑन, और शरीर से दूर कर दीजिएगा ऑफ कह देते हैं। थोड़ा रोड से दूर चलिए, वॉक ऑफ द रोड कहा जाता है। स्विच जब हम ऑफ करते हैं उसकी इंटरनल सर्किट दूर हो जाती है, करंट का फ्लो नहीं हो पाता, इसीलिए उसे ऑफ कहा जाता है। कभी भी नोटिस कीजिएगा ऑफ मतलब हमेशा दूरी पर एक तरह से। तो स्टार्व यानी भूखा मरना, और इस चीज़ को अगर ऑफ कर दिया जाए, अभी भूखे नहीं मरेंगे, बाद में कभी देखेंगे, इसका मतलब थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है, किसी भी चीज़ को थोड़ा दूर कर देने के लिए, यानी कि ठीक है बाद के लिए रख दिया, बाद में देखेंगे इस चीज़ को, उसे स्टार्व ऑफ कह देते हैं। भाई कई बार आप देख रहे हैं तो आपको रेगुलरली पता होगा एडियम्स का वो अर्थ नहीं होता जो उन शब्दों का अर्थ होता है। तो यहाँ स्टार्व से भूखा मरना नहीं होगा, लेकिन हाँ किसी भी चीज़ को थोड़ा दूर कर देना, यानी कि एक तरह से पोस्टपोन कर देना। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, टू रेप्रिमेंड, डांटना। अब इसका ये प्रिसाइज मतलब नहीं है, एक्चुअली ये होता है कि मेरे अंदर कोई चीज़ है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, भाई तुम खुद ही समझ जाओ, मेरे मन में है, मैं चाहता हूँ कि आपको बोलूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद ही समझ जाएँ। जब आप नहीं समझेंगे तो पहले मैं आपको ढंग से सुनाऊँगा, बहुत सारा गुस्सा आप पर करूँगा, और गुस्सा करने के बाद अपने मन की बात आपको बताऊँगा। उसे कहा जाता है टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। इनडायरेक्टली देखिए, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, जो मेरे दिमाग में है पीस ऑफ माइंड वो मैंने आपको दे दिया, यानी अपनी सोच में जो था, जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो आपको बता दिया, बट प्यार से नहीं, गुस्सा करने के बाद। तो मैंने पहले ढंग से सुना ही आपको, उसके बाद फ्रेंड्स के साथ करते हैं कभी कभी, ज़्यादा मुँह चलाता है तो हम लोग उसे ढंग से सुना देते हैं, फिर कहते हैं भाई साथ में ही हैं, ऐसा होना चाहिए, तुम्हें भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए अपनी चीज़ की। उसे टू गिव अप पीस ऑफ माइंड कहा जाता है, किसी पर पहले तो बहुत सारा गुस्सा करना, उसके बाद उसकी चीज़ें आपको बता देना, जो भी आपके मन में है वो सारी चीज़ें उसे बता देने के लिए गिव अप पीस ऑफ माइंड कहा जाता है, लेकिन गुस्से में। टू रेप्रिमेंड। रेस्ट ऑन लॉरल्स। लॉरल मतलब रेस्ट करना, तो रेस्ट हो गया। लॉरल्स क्या होता है? तो लॉरल एक तरह की पत्ती और पेड़ के छोटे से वो माने जाते हैं, जैसे कई एथलेटिक्स के गेम्स में पहले ये दिए जाते थे, इनका एक क्राउन बनाकर, एक तरह से मुकुट बनाकर और दे दिया जाता था। तो मान लीजिए आज के ज़माने के हिसाब से किसी को नोबेल प्राइज़ मिल गया, पैसे भी मिल गए, नोबेल प्राइज़ मिल गया, अब भैया जिंदगी भर हम बैठ कर खाएंगे, क्यों? हम तो नोबेल प्राइज़ विनर हैं भाई, एक दिन के लिए मुझे टीम इंडिया का कैप्टन बना दिया गया, अब तो हम जिंदगी भर बैठ कर खाएंगे, क्यों? कप्तानी की है टीम की। इसे कहा जाता है रेस्ट ऑन लॉरल्स, मतलब टू बी कॉम्प्लेसेंट। आपको जो है आपके पास, जो आपके पास्ट अचीवमेंट्स हैं, उन्हीं की दम पर बैठ कर खाना, अब एफर्ट्स करना बंद कर देने को टू रेस्ट ऑन लॉरल्स कहा जाता है। ये एथलेटिक्स से ही बना है, वहाँ जो चीज़ें गिफ्ट में दी जाती थी, आप जीत गए हैं रेस, ये कॉम्पिटिशन, तो आपको वो एक मुकुट दे दिया जाएगा जो पत्तों से बना है, तब उसकी वैल्यू होती थी। आजकल किसी भी चीज़ की वैल्यू मान लीजिए, अब इसके दम पर, आप पुराने अचीवमेंट्स के दम पर आगे काम करना बंद कर देंगे तो वो कब तक चलेगा? उसे कहा जाता है टू रेस्ट ऑन लॉरल्स, जो आपके पास है उसी पर मौज करना, ऐश करना, जो आपके पास्ट अचीवमेंट्स रहे हैं, और आगे कुछ भी नया फर्दर प्रोग्रेस ना करने को रेस्ट ऑन लॉरल्स कहते हैं। टू पे थ्रू नोज, यानी आपको नाक से पे करना पड़ेगा। एक्चुअली पुराने जमाने में आयरलैंड में जब टैक्स लोग नहीं देते थे तो उनको पनिशमेंट के तौर पर उनकी नाक काट दी जाती थी, या उनको यहां पर कुछ ना कुछ पनिश करने के लिए नाक पर काटा जाता था। तो यू हैव टू पे, ये टैक्स के लिए लिया गया है एक तरह से, यानी कि टैक्स तो आपको चुकाना होगा, अगर रियलिटी में नहीं देंगे तो फिर आपकी नाक काट दी जाएगी, यानी आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा हैवी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अब ये एडमेटिकली यूज़ होता है, किसी भी चीज़ की ज़्यादा कीमत चुकाने के लिए उसे कहा जाता है पे थ्रू नोज। अब नोज मतलब वही, हमने अपनी नाक कटवा कर पे किया है, यानी कि हमने बहुत ज़्यादा
टैक्स पे किया है इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा कीमत चुकाई है, उसे पे थ्रू नोज कहते हैं। उस जमाने के ट्रेडिशंस के आधार पर नाक काटकर वो टैक्स को एक्स्ट्रा पे करते थे, पनिशमेंट आपको देते अगर आपने पे नहीं किया है। वो इडियम बन गई, तब से अब तक चलती आ रही है। अब इसे टैक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते, किसी भी चीज़ की हैवी रकम पे करने के लिए पे थ्रू नोज कहा जाता है। ड्रॉ ऑन फैंसी, फैंटेसी सुना है, चाहत कह देते हैं, भाई ये करना है मुझे, तो वो भी बनना है, ये भी बनना है, और उसी अपनी चाहत पर कोई चीज़ ड्रॉ कर देना, यानी सारी चीज़ें आपकी काल्पनिक हैं, इमेजिनेशन में चलती रहती हैं। टू यूज़ इमेजिनेशन, तो कोई भी चीज़ मान लो अगर वहाँ चले गए, फिर वहाँ से वहाँ चले जाएंगे, अब ये रियलिटी नहीं है, ये सब फैंटेसी पर ड्रॉ हो रहा है, सारा फैंसी पर ड्रॉ हो रहा है। वहाँ चले जाएंगे, फिर करेंगे, ठीक है शाम तक वापस आएंगे, डन। ये सारी चीज़ें रियल में नहीं है, ये मैंने अपने इमेजिनेशन के आधार पर आपको ड्रॉ की है। तो टू ड्रॉ ऑन फैंसी इज़ टू यूज़ इमेजिनेशन। जरा जल्दी से वापस देखें, टेक आफ्टर, जो प्रथा चलती आ रही है पिताजी के बाद बेटे पर, बेटे पर, यानी कहीं ना कहीं उनसे मैच खाती है। टू स्टाव ऑफ, भुखमरी को दूर कर देना, यानी कि थोड़ा सा किसी चीज़ को आगे बढ़ा देना, पोस्टपोन। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, अपनी सारी चीज़ें बताऊंगा लेकिन डांटने के बाद, तो डांट कर किसी को अपनी दिल की बात कहना। रेस्ट ऑन लॉरल्स, जो आपके पास था उसी पर अब बिल्कुल बैठकर खाना, आगे एफर्ट्स करना बंद कर देना, रेस्ट ऑन लॉरल्स। पे थ्रू नोज, आपको बहुत ज़्यादा हैवी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ड्रॉ ऑन फैंसी, सिर्फ आपका इमेजिनेशन जब आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, टू रीड बिटवीन द लाइंस, कई बार ऐसा होता है कि जो लाइन में लिखा है वो तो सब पढ़ लेंगे, ज़रा उनके बीच में देखिए क्या लिखा है एक्स्ट्रा इन्फो के तौर पर। तो अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, जो लाइन में लिखा हुआ है वो तो सबको दिख रहा है, उनके बीच में क्या मार्क है, यानी उनका जो छुपा हुआ मीनिंग क्या है, उसे दिखाने के लिए रीडिंग बिटवीन द लाइंस कहा जाता है। लाइंस ऑब्वियसली विजिबल होती हैं, बट लाइन के अलावा जो चीज़ें लिखी होंगी ज़रा उनको भी तो देखिए। जैसे हम अपने नोट्स बनाते हैं तो लाइन में तो लिख लेते हैं, एकदम से कुछ भी मिला तो उसी के ऊपर मार्क कर देते हैं जो लाइन में नहीं आता, अब वो उसका बेहतर मीनिंग दिखा पाता है, उसे कहते हैं टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ समथिंग। टू रीड बिटवीन द लाइंस, लाइन में लिखा है उसको पढ़िए, साथ साथ उसके बीच में जो लिखा है बिना लाइन के उसे भी पढ़ लीजिएगा, तो आपको बेहतर जानकारी मिल जाएगी। टू अंडरस्टैंड द हिडन meaning is called to read between the lines. Turn an honest living, साधा जीवन, उच्च विचार, जो लिखा है वही इसका लगभग मतलब है। टू टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग इज टू मेक अ लेजिटिमेट लिविंग, एक तरह से बिल्कुल सादा जीवन अपना रखना, जो सामान्य तौर पर होता है वही चीज़ें मेरे पास हैं, कोई भी एक्स्ट्रा शो ऑफ का मेरा नेचर नहीं है। टू टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग इज टू मेक अ लेजिटिमेट लिविंग, लेजिटिमेट मतलब लीगल कहा जाता है, साफ तौर पर वही फेयर एंड स्क्वायर, ऑनेस्ट। तो सादा जीवन, उच्च विचार, मेक एन ऑनेस्ट लिविंग, टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग। गिव द गेम अवे, ये वही है इनडायरेक्टली जो दिख रहा है, गिव द गेम अवे। आपने तो पूरा मैच अपने हाथ से निकाल दिया, आपने तो पूरा गेम उसको दे दिया, यानी कि अपने सीक्रेट्स किसी को बता देना। मेरे पास क्या है अभी, ये पत्तों के गेम से लिया गया है, मेरे पास कौन से पत्ते हैं ये चीज़ आपको बताने के लिए, अगर मैं आपको वही बता दूं कि मेरे पास क्या है, तो एक तरह से मैं तो हाथ करके अपना गेम हार गया ना। यानी किसी को अपने सीक्रेट्स बताना, अपना गेम उसको दे देना, यानी अपनी सारी चीज़ें उसको बता देना। अक्सर योर सीक्रेट्स, टू गिव द गेम अवे, सारी चीज़ें आपको दे दी, आई हैव टोल्ड यू माई सीक्रेट्स, टू गिव आउट द सीक्रेट्स। चीक बाय जॉल, एक तरह से चीक गाल को कहा जाता है, ये जबड़ा होता है आपका, यानी ये चीज़ बहुत क्लोज है हमारे शरीर के अंगों में, इसीलिए इसका मतलब होता है टू बी वेरी नियर। एक्चुअली ये idiom पहले, आज भी होती है, चीक बाय चीक होती थी, तो जो लोग साथ में रहते हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, बिल्कुल साथ में रहते हैं, तो उनके चीक बाय चीक, साथ में सोते हैं उस केस में उनका चीक एक दूसरे के चीक पर रहता है, गाल पर गाल है, उसे कहा जाता था। वो लोग बिल्कुल क्लोज रहते हैं, पास पास में रहते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, उसको मॉडिफाई करके चीक बाय जॉल कर दिया है। दोनों होती हैं आज भी, चीक बाय जॉल आज ज़्यादा चलती है, पहले चीक बाय चीक चलती थी। तो मेरे गाल पर जब आपका गाल है, यानी हम लोग बहुत क्लोज हैं, मेरे गाल पर जब आपका जबड़ा है, यानी काफ़ी क्लोज आप मेरे हैं, तो वेरी नियर इज कॉल्ड, वेरी क्लोज इज कॉल्ड चीक बाय जॉल, बिकॉज ये दोनों शरीर के अंग काफ़ी क्लोज होते हैं, इन दोनों को क्लोज दिखाने के लिए बहुत नज़दीक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। रन राइट, इसे राइट पढ़ते हैं, रियॉट वगैरह मत पढ़िएगा। राइट सुना भी होगा आपने, दंगे, गुजरात राइट्स कहते हैं, गुजरात के दंगे जब कहे जाते हैं, तो रन राइट एक तरह से दंगे के तौर पर जब चलना, मतलब कोई भी एक्शन करना, यानी बिना सोचे समझे, दंगा वही होता है। दंगा क्यों होगा भाई, अगर पॉजिटिवली सोचें चीज़ों को तो फिर लड़ाई झगड़े से फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं, दंगे फसाद के मूड से ही कहीं पर जाते हैं, वही करना है, तो फिर उस केस में एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट,
बिना सोचे समझे किसी भी काम को करने के लिए रन राइट कहा जाता है, यानी बिना सोचे समझे कुछ भी करना, यू हैव रनिंग राइट्स, यानी कि आप दंगा फसाद करने के दिमाग में है तो भाई सोच समझ कर बात करिए, थोड़ा ये लड़ाई झगड़े को छोड़ दीजिएगा, उसे रन राइट कहा जाता है। टू एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, बिना सोचे समझे, बिना फील किए किसी चीज़ को करना, बिना सोचे समझे किसी काम को करना, टू रन राइट। A quick revision, read between the lines, उनके बीच में भी देख लीजिएगा, to understand the hidden meaning, turn an honest living, ईमानदारी का जीवन व्यतीत करना, सादा जीवन, उच्च विचार, give the game away, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, अपना खेल आपके हाथों समर्पित कर दिया, सब बता दिया आपको, cheek by jowl, very near, और run right, एक तरह से दंगे फसाद के तौर पर बिना सोचे समझे किसी एक्शन को परफॉर्म करना। Moving on to the next slide, go through fire and water, पुराने जमाने में सुना होगा हमने कि कई तरह के पनिशमेंट दिए जाते थे, जिनमें से एक ये भी था, या तो आपको तेज आग से निकलना होगा, बहुत गर्म जो उसमें रख दिया जाता था उससे निकलना होगा, या फिर आपको पानी में फेंक दिया जाएगा। तो आग पर चलना कठिन काम है, पानी में गुजारा करना एक तरह से वो भी कठिन काम है, और दोनों को रख लीजिएगा तो यानी कि यार बहुत ज़्यादा कठिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। टू अंडरगो एनी रिस्क, यानी रिस्क लेनी पड़ेगी, आग पर चलना होगा, पानी में चलना होगा, ये सारी चीज़ें एक तरह से रिस्क टेकिंग इवेंट्स और एक्शंस दिखा पाती है। सो टू गो थ्रू फायर एंड वाटर इज़ टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क, किसी भी तरह का जोखिम उठाने के लिए जब आप कहा जाता है तो उसे गो थ्रू फायर एंड वाटर कहते हैं। इनडायरेक्टली आप खुद देख सकते हैं, फायर भी एक नेगेटिव शब्द है, आग, और पानी में रहना, पानी में चलना, वो भी एक नेगेटिविटी दिखाती है। तो ये दोनों सेंस से दिखाकर इसका मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा कठिन काम करना होगा, कोई भी रिस्क आपको लेनी पड़ सकती है, उसे गो थ्रू फायर एंड वाटर कहा जाता है। टॉकिंग थ्रू हैट, ऐसा लगता है कि इसका मतलब होता है टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास करना, खुद को सुपीरियर समझकर खुद के बारे में ज़्यादा बोस्ट ऑफ करने को टॉक थ्रू हेड कहते हैं। ये कुछ ऐसे टर्म्स था कि हम लोग जब मुंह से बोलते हैं तो लिप्स यहाँ पर हैं, एक तरह से डाउन पार्ट है, और ये एक तरह से लेवल अप है मेरा, अब मैं यहाँ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल अपनी हेड से बोल रहा हूँ, तो मेरा लेवल कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गया कि मुझे यहाँ से बोलना चाहिए था, जो स्पेशली नेचुरल तौर पर मुँह से आवाज़ आती है, आपकी आवाज़ मुँह से नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ तो आपके सर के ऊपर से आ रही है, सर के ऊपर से यानी टोपी से, कोई भी चीज़ जो आप पहने एक तरह से, तो सर के ऊपर यानी लिमिट क्रॉस हो रही है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, कुछ बकवास कर रहे हैं, खुद को शो ऑफ कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को टॉक थ्रू हेड कहा जाता है। नॉर्मली हम लोग मुंह से बोलते हैं, मुंह का ऊपर कर दीजिएगा, सर से भी ऊपर बात करते हैं तो वो फिर ज़्यादा हो जाता है, बकवास है, टॉक नॉनसेंस कहा जाता है। पुट अप विद, इसे जनरली टॉलरेट कहा जाता है। तो पुट अप यानी कि कोई चीज़ भाई मेरे पास रखी थी, आप भी आ गए, मुझे आपके लिए उठाकर रखनी पड़ी, अब मेरा खाना भी आप शेयर करेंगे, मेरे साथ भी रहेंगे, ये भी चीज़ शेयर करनी होगी, वो भी चीज़ शेयर करनी होगी, इन सारी चीज़ों को लेकर पुट अप विद कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एडिमैटिक मीनिंग भी रखता है, फ्रेजल वर्ब्स में भी काम आता है, एग्जामिनेशन में आपको काम आता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, पुट अप विद मीन्स टू टॉलरेट, टॉलरेट करना मतलब एक तरह से मैं नॉर्मली जहाँ पर रहता हूँ, आई हैव टू पुट अप विद यू, मुझे अब आपके साथ झेलना पड़ेगा, यानी सारी चीज़ों को मुझे मैनेज करना पड़ेगा, आप भी उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ जाते हैं, मैं अपनी फ्रीडम को खोकर थोड़ा सा आपके साथ मुझे मैनेज करना पड़ता है, उस मैनेज करने को टॉलरेट कहा जाता है। अब चार दिन मुझे आपको झेलना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पर आ गए हैं, सो दैट इज़ टू पुट अप विद, मतलब टू टॉलरेट। इन द गुड बुक्स, बुक एक तरह से कंटेंट रखती है, डेटा रखती है, और वी आर इन द गुड बुक्स, अच्छी किताब में है हम लोग, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो कंटेंट है वो फेवरेबल है, अच्छा है। तो बॉस के साथ जब आप फेवरेबल हो जाते हैं तो उसे हमेशा इन गुड बुक्स कहा जाता है। आई रिपीट, टू बी इन द गुड बुक्स, यानी कि अब तो हमारे टर्म्स बहुत अच्छे हो चुके हैं, किससे, हमारे किसी सीनियर से, हमारे बॉस से, टू बी इन फेवर विद द बॉस इज कॉल्ड टू बी इन गुड बुक्स। इन द लॉन्ग रन, अंततः एक तरह से हिंदी में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इन द लॉन्ग रन, इसका उल्टा भी होता है, इन द शॉर्ट रन, अभी अभी ये हो गया तो, और इन द लॉन्ग रन, आगे की सोचकर चलो, अगर मान लो परसों वैसा हो जाता है, 10 साल बाद ऐसा हुआ तो अल्टीमेटली, इन द एंड, इवेंचुअली, इसका मतलब वही होता है, इन द लॉन्ग रन, भविष्य में, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, इन द लॉन्ग रन, भविष्य में कभी ऐसा हुआ तो, 2 साल बाद ऐसा हुआ तो, तो ये सारी चीज़ें इन द एंड को दिखाती हैं कि अभी का मत सोचिए, लॉन्ग रन का सोचकर चलिए, आगे की सोचकर चलिएगा, 2 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं, 5-10 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं, इवेंचुअली अल्टीमेटली इन द एंड आप खुद को कहाँ देखते हैं, दैट इज कॉल्ड इन द लॉन्ग रन। टू बी ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल, दोनों शब्दों को पिक कीजिए, टू बी होना, ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल,
बैक एक तरह से जेस्चर्स दिखाते हैं, जेस्चर जानते हैं आप, गेस्चर कहते हैं तो माफ कीजिएगा, साउंड के तौर पर उसे जेस्चर पढ़ते हैं, गेस्चर नहीं होता, बॉडी जेस्चर्स इन जनरल। और एक तरह से ये जेस्चर इस्तेमाल किया जाता है, ये कभी देखा होगा हम लोग बुलाने के लिए ये जेस्चर बनाते हैं, मुंह से मैंने कुछ नहीं बोला कि आप इधर आ जाइए, कम हियर, मैंने सिर्फ इशारा किया है। अब ये इशारा जो है ये बुलाने के लिए होता है, कम हियर, इसे बैक कहा जाता है, BECK। और कॉल ऑब्वियसली पुकारना आ जाता है, बुलाना आ जाता है, टू बी ऑलवेज वंस बैक, इशारे पर भी आएंगे, बुलाने पर भी आएंगे, यानी रेडी टू सर्व योर मास्टर। जब भी आप, जो हुजूर मेरे आका, जब आप कहेंगे हाजिर रहूंगा, उस केस में टू बी वंस बैक एंड कॉल कहा जाता है। बैक मतलब इशारा करके बुलाना, और कॉल करके बुलाना, पुकार के बुलाना, जब भी जैसे भी आप बुलाएंगे मैं हाजिर हूं, उसे वंस बैक एंड कॉल कहते हैं। तो गो थ्रू फायर एंड वाटर, कोई भी रिस्क लेना, टू अंडरगो एनी रिस्क, टॉक थ्रू हैट, कुछ ज्यादा बोल रहे हैं आप, यानी कि नॉनसेंस, बकवास कर रहे हैं, टू पुट अप विद, अब सारी चीजें आपके साथ रखनी पड़ेंगी, मैनेज करना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा, इन द गुड बुक्स, अब तो हमारे अच्छे टर्म्स हैं, अब हम लोग बुक्स शेयर करते हैं, अब हम लोग साथ में खाना खाने जाते हैं, टू हैव गुड कंडीशन, टू हैव गुड टर्म्स विद योर बॉस, इन द लॉन्ग रन, आगे की सोच कर चलिए, इवेंचुअली अल्टीमेटली इन द एंड क्या होने वाला है, और टू बी ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल, हमेशा हाजिर रहना, टू बी वंस बैक एंड कॉल, टू रेडी टू सर्व वंस मास्टर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, और प्रॉबेबली द लास्ट स्लाइड, टर्न अ डेफ ईयर, टर्न अ डेफ ईयर, इसका मतलब कुछ ऐसे हो जाता है, भाई किसी का अगर एक कान बहरा है और आप कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैंने आपकी तरफ वो बहरा वाला कान कर दिया जिससे मुझे सुनाई नहीं देता, अब आप बोलते रहिएगा बहरा कान आपकी तरफ है मुझे सुनाई नहीं देगा, यानी कि आपकी बात मुझे सुननी भी नहीं है। टू डिसरिगार्ड, टू इग्नोर, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, किसी की बात को अनसुनी कर देने को टर्न अ डेफ ईयर कहा जाता है। लॉजिकल बात है कि आपकी तरफ अगर मेरा कान है तो मैं ध्यान से सुनूंगा, और बहरा वाला कान है तो मुझे सुनाई नहीं देगा, तो मैंने आपकी तरफ अपना बहरा कान कर दिया है, यानी मुझे आपकी बात सुननी नहीं है। टू डिसरिगार्ड, टू इग्नोर, टू रिफ्यूज इज कॉल्ड टर्न अ डेफ ईयर। एट वंस विट्स एंड, किसी के विट्स एंड यानी कोने पर होना, विट क्या होता है, तो जो आपके ब्रेन का जो पार्ट है उसे विट कहा जाता है, हमारे ब्रेन में जो इंटेलिजेंस होता है वो विट्स कही जाती है एक तरह से। और एट वंस यानी किसी के विट्स एंड यानी सोच से परे, मेरे दिमाग में ये चीज़ भैया मेरी समझ में नहीं आ सकती, ये तो मेरे विट्स यानी दिमाग के इंटेलिजेंस पावर से, कोने से भी बाहर निकल गई है, यानी सोच से परे कह दीजिएगा। टू बी पजल्ड, टू बी कन्फ्यूज्ड, टू बी परप्लेक्स्ड, मेरे को नहीं समझ में आया, तो सोच से परे है, ये समझ से परे है मेरी, तो उसको समझ से परे और सोच से परे को इंग्लिश में एट वंस विट्स एंड कहा जाता है, क्योंकि विट का मतलब होता है दिमाग आपका, इंटेलिजेंस जो आपका, और उससे भी एंड कर दीजिएगा, उसके आगे जाएंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, तो फिर वो चीज़ समझ से परे कही जाती है। एट वंस विट्स एंड इज कॉल्ड टू बी पजल्ड, यानी जब चकित रह जाते हैं, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है, उसे वंस विट्स एंड कहा जाता है। टू फाइट टूथ एंड नेल, हिंदी में जैसे इडियम्स होती हैं कि एड़ी चोटी का जोर लगाना, उसे इंग्लिश में फाइट टूथ एंड नेल कहा जाता है। और ये बना कहाँ से, तो प्रीटी इजी इसका मीनिंग था, जब घर में भाई बहन में कई बार लड़ाई हो जाती है, छोटे बच्चों में कई बार लड़ाई हो जाती है, तो अस्त्र शस्त्र तो उनके पास है नहीं कि वो हथियार लेकर लड़ते हैं, फिर करते क्या बेचारे, टूथ, दांत से कुछ काट लिया कहीं पर, यानी कि बहुत ज़्यादा लड़ाई आपसे हो गई, दांत से आपने मुझे काट लिया, और नेल से आपको स्क्रैच कर दिया, आपको खींच लिया कहीं से भी, तो जो इस तरह की लड़ाई होती है, यानी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, उसने मार दिया उसको, दांतों से काट लिया एक तरह से, और नेल से भी उसको स्क्रैच कर दिया, उसे यानी बहुत ज़्यादा लड़ना, तो टू फाइट इन अ डिटरमाइंड वे फॉर व्हाट यू वांट, यानी कि अपने हर संभव प्रयास करना किसी भी चीज़ के लिए, एड़ी चोटी का जोर लगाना, अब लड़ने से मतलब यहाँ पर लड़ना नहीं है, एक लिमिट ज़्यादा दिखाना है, लड़ाई होना, और वो ऐसी लड़ाई होना जहाँ पर दांतों का और इनका भी इस्तेमाल हुआ, यानी ज़्यादा, तो अपनी चीज़ को पाने के लिए जब हर संभव प्रयास करने की बात आती है, तो आई फॉट टूथ एंड नेल, मैंने हर संभव प्रयास किया, हिंदी कहती है एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मैंने, उसे फाइट टूथ एंड नेल कहा जाता है। एंड द लास्ट वन इन दिस वीडियो, आगे और भी रहने वाले हैं, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, यूज्ड एज अ वे ऑफ टॉकिंग अबाउट जेलसी, ये टर्म 1593 में सबसे पहले शेक्सपियर ने कोट किया था, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, उनकी एक प्ले थी जिसमें उन्होंने इस्तेमाल किया कि कोई पिता अपनी बेटी के लिए कुछ रखकर जाता था, और वहाँ पर बिल्ली आ जाती थी, ऐसे भी कोई आ जाते थे, तो जिनकी आँखें थोड़ी हरी होती थी, बिल्ली की आँखें भी चमकती हैं,
तो वो उसका खाना वगैरह सब कुछ खा जाते थे। तो लड़की बहुत जेलस होती थी बिकॉज पापा मेरे लिए खाना रख कर गए थे, वो खा गए इस चीज़ को। तो वो जब पिताजी आते थे तो कहती थी, नाम तो नहीं पता था कौन है वो, कि पापा कुछ ऐसे ग्रीन आइज़ वाले मॉन्स्टर आते हैं जो आप रख कर जाते हैं वो खा लेते हैं। तो ये शेक्सपियर ने टर्म कोट किया था, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, एक तरह से जेलस होना किसी के लिए, अपनी चीज़ का हक किसी और पर है उस चीज़ के लिए जो जेलसी फील होती है उसे ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहा जाता है। शेक्सपियर के टर्म्स के था, ऑब्वियसली प्रचलित तो होना ही था, फेमस होना ही था। एक बार रिवाइज करें, टर्न डेफ ईयर, आपकी तरफ बहरा वाला कान है, क्या कह रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा। At one's wit's end, सोच से परे, मेरे दिमाग के सोच से बिल्कुल जो भी टर्म्स हो सकते हैं उनसे ऊपर। To fight tooth and nail, यानी बहुत ज़्यादा संभव प्रयास करना, एड़ी चोटी का जोर लगा देना। And the green-eyed monster, एक तरह से jealousy फील करना, अपनी चीज़ को दूसरों के द्वारा इस्तेमाल होते हुए जब jealous फील करते हैं उसे green-eyed monster कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ idioms आपके सामने रख पाई होंगी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ, उनकी एटमोलॉजी के साथ, कि कब किस शब्द को यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया। वापस कहना चाहूँगा, idioms की हिंदी ना के बराबर होती है बिकॉज जिस कल्चर में जो चीज़ है वो वहीं पर अवेलेबल है, दूसरे कल्चर में वो चीज़ नहीं मिलती है। बट हाँ, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू कि इसके पीछे का रीज़न क्या था। आगे और बेहतर एक्सप्रेशन से आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, अगर अच्छा होगा तो आपको आगे और idiom phrases भी डिस्क्राइब करना चाहूँगा विद बेटर एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग एंड देयर रूट्स एंड देयर एटमोलॉजी। सो दिस इज कपिलदेव शर्मा एंड ऑलवेज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कपिलदेव शर्मा फॉर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, ग्रामर, पर्सनैलिटी और हर चीज़ के लिए बने रहिए। और सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep supporting, keep watching Kapil Dev Sharma for complete English grammar. Thanks a lot.